नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। पुलिस अधीक्षक अनुराग गारी ने अतरौलिया थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। बता दें कि दोपहर लगभग 2 बजे पहुंचे पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे पहले थाना परिसर का निरीक्षण कर बाउंड्री वॉल एवं बैरिकों की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद एसीपी द्वारा थाना में विभिन्न रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, शस्त्र, साफ सफाई, अपराधियों का विवरण, जनसुनवाई आदि विषयों की जानकारी लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मौजूद चौकीदारों को एक टॉर्च, एक अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनको मिलने वाली तनख्वाह के विषय में जानकारी ली गई तथा थाना परिसर में आम का एक वृक्ष भी लगाया गया। इस दौरान थाना द्वारा अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, गुंडा एक्ट कार्रवाई इत्यादि को संतोषजनक बताया। अतरौलिया थाना में कुछ चौकीदारों के पद रिक्त होने को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें प्रार्थना पत्र लेकर भेजा जाए, इससे इन लोगों के भर्ती की कार्रवाई शुरू हो सके। इस दौरान पूरा थाना परिसर में हड़कंप मचा रहा। ये सुनाते हैं कि एसपी अनुराग गारे ने क्या कुछ कहा। के द्वारा अतरौलिया थाने का निरीक्षण किया गया है, जिसमें क्या रहा? थाना अतरौलिया का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। थाना परिसर का सबसे पहले भ्रमण किया गया। परिसर की साफ सफाई में व्यापक सुधार हुआ है। पिछले वर्ष जब मैं आया था उसमें और अब में बहुत डिफरेंस है, सकारात्मक सुधार हुआ है। जो बैरक यहाँ पे बन रहा है उसका कार्य लेकिन संतोषजनक नहीं है, उसकी प्रगति नहीं हुई है। बैरक बन रहा है मल्टी स्टोरी बैरक, और उसके साथ साथ विवेचना कक्ष थाने प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो ठेकेदार है उससे वार्ता करे और अगर कोई समस्या है तो उसकी रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि शासन को अवगत कराया जा सके, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि हमारे आरक्षियों के लिए, मुख्य आरक्षियों के लिए जो रहने की व्यवस्था है वो अच्छी रहे। इसके साथ साथ थाने के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, काफ़ी चीज़ों में सुधार है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें जांच खुलवाई गई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेके है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी जांच करके संबंधित दरोगा को प्रेषित करनी होती है बड़े बाबू कार्यालय में, लेकिन वो नहीं की गई है। इसके संबंध में वर्ष 2022 के जितने पोस्टमार्टम्स हैं उनके संबंध में एक विस्तृत जाँच एडिशनल SPRA के द्वारा की जाएगी, उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। अपराधियों पर जो कार्रवाई की गई है वो संतोषजनक कार्रवाई है। हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई और हिस्ट्री शीटरों की चेकिंग, इस संबंध में सारे अभिलेख चेक किए गए, संतोषजनक कार्रवाई की गई है। जो यहाँ पे ग्राम प्रहरी नियुक्त हैं उनसे वार्ता की गई, और कुछ पद हैं जो ग्राम प्रहरी के यहाँ पे रिक्त हैं, काफ़ी संख्या में रिक्त पद हैं, उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आवेदन प्राप्त करके और उनको नियमानुसार कार्यालय में भेजेंगे। ओवरऑल थाने की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देशित किया गया। सर, जैसे कि बहुत कुछ है इसके लिए, तो विस्तृत प्रस्ताव, क्योंकि इस थाने में आप देख रहे हैं ज़मीन बहुत है, तो इसके लिए बाउंड्री वॉल चारों तरफ से कराने के लिए पहला काम किया गया है थाने की पैमाइश करा के और उस पर बोर्ड लगाए गए हैं कि कहाँ तक थाने की बाउंड्री है। अब अगला काम यही है कि बाउंड्री का एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट इसका होगा, उसके लिए शासन से स्वीकृति की आवश्यकता होगी, वो कार्रवाई जल्दी की जाएगी। ठीक है।